हैदराबाद डेक्कन न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल है। दो दिनों के अंदर बेंगलुरु के कैंपोवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कस्टम ऑफिसरान ने मलेशिया के एक शहरी समेत तीन मुसाफिरों से 1 किलो सोना जब्त किया। अहकाम के मुताबिक तीनों मुसाफिरों को जुम्मा और हफ्ते को गिरफ्तार किया गया। एक सीनियर कस्टम ऑफिसर ने बताया कि कोलमपुर से प्रवास के जरिए आने वाली एक इंडियन ओरिजिन वुमेन पैसेंजर ने 17.9 लाख रुपए की मालियत का 300.95 ग्राम सोना स्मगल करने की कोशिश की। ये खातून अपने ब्लाउज में सोना छुपाकर स्मगल कर रहे थे, जिसे पकड़ लिया गया। कोलमपुर से आने वाले एक और मलेशियन ओरिजिन वुमेन पैसेंजर ने 558.27 ग्राम सोना स्मगल करने की कोशिश की, जिसकी मालियत 34,04,000 रुपीज़ बताई गई है। ये अपने रेक्टम में पेस्ट की शक्ल में बनाकर छुपाकर स्मगल कर रहे थे। एक और कुवैत से आने वाले इंडियन ओरिजिन पैसेंजर को 15,26,565 मालियत के 254 ग्राम खालिस वजन के 40 सोने के टुकड़े स्मगल करने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया और इसके पास से 1,49,900 रुपीस का एक आईफोन 14 प्रो मैक्स भी बरामद किए गए। सोने के मस्कुरा कटे हुए टुकड़े खश्क मेवाजात के में पैकेटों में छिपा कर ले जाया जा रहा था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मैं जा रहा हूँ। एक मिनट।